अयोध्या के राम मंदिर में दिए जाने वाले सबसे कीमती और अनोखे उपहार, नंबर एक सोने के कलश और धनुष बाण, पटना के हनुमान गढ़ी मंदिर की ओर से अयोध्या के राम मंदिर को 10 करोड़ रुपए सोने का कलश और सोने का धनुष बाण भेंट किया गया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी भेंट है। नंबर दो, सोने की चरण पादुका। 64 वर्ष के छल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने सोने और चांदी से बनी 8 किलो की चरण पादुका को अपने सिर पर रख नंगे पांव हैदराबाद से अयोध्या आए और योगी आदित्यनाथ को चरण पादुका भेंट किया। आपको बता दूं कि ये उस रास्ते से पैदल चलकर आए जिस रास्ते से भगवान श्री राम रामेश्वरम से अयोध्या पहुंचे थे। नंबर तीन, 600 किलो घी। राजस्थान के जोधपुर से अयोध्या के राम मंदिर के लिए 600 किलो घी 108 कलशों में रखकर जोधपुर से 5 रथों में अयोध्या लाया गया। इस घी से भगवान श्री राम का अभिषेक किया जाएगा और 22 तारीख को इस घी से पूरे अयोध्या राम मंदिर में दीप जलाए जाएंगे। नंबर चार, 108 फीट लंबी अगरबत्ती। गुजरात से अयोध्या आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती, इसे दुनिया की सबसे लंबी अगरबत्ती कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दूं कि इस अगरबत्ती को बनाने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा है और इसकी लागत लगभग 3 से 4 लाख परी है। कहा जाता है यह अगरबत्ती 1.5 से 2 महीने तक जलेगी और आसपास के 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी खुशबू से भक्तों का मन मोहेगी। नंबर पाँच, 400 किलो का ताला। अलीगढ़ के एक बुजुर्ग जोड़े सत्य प्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए 400 किलो का ताला भेंट किया। आपको बता दूं कि इस ताले को बनाने में 6 महीने का समय लगा। बात करें इसकी लंबाई की तो वो 10 फीट है और इसकी चौड़ाई 4 फीट है। नंबर छः, 9 देशों का समय बताने वाली घड़ी। लखनऊ के अनिल साहू ने अयोध्या के राम मंदिर के लिए एक अनोखी घड़ी बनाकर भेंट की है जो 9 देशों का समय बताती है। ये दुनिया की पहली घड़ी होगी जो 9 देशों का समय बताती है। नंबर 7, 1100 किलो का दीप। अयोध्या के राम मंदिर के लिए गुजरात के बड़ोदरा से 1100 किलो का विशाल दीप पहुँचा। यह दीप इतना विशाल है कि इस दीप में 500 किलो घी समा सकता है। इस दीप को जलाने के लिए 15 किलो रुई का बाती बनाई गई है। कहा जाता है इस दीप को जब जलाया जाएगा तो ये लगभग 2 से 2.5 महीने तक जलेगी और इसे केवल शुद्ध घी से जलाया जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अयोध्या